देखिए, वारदात के बारे में आपको बताइए। सनसनीखेज वारदात थी 5 दिसंबर को जयपुर में, जो इनकी गोगाखेड़ी की वारदात हुई थी। उसके तुरंत बाद ये शूटर्स वहाँ से एस्केप कर गए, तो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश ने हमसे संपर्क किया था कि ये लोग डीडवाना गए हैं जयपुर से, और डीडवाना से दिल्ली की बस पकड़ी है, तो दिल्ली में आप इनको डिटेन कीजिए। तो हमने अपने कमिश्नर सर से अनुमति लेके इस पे काम करना शुरू किया, और हमें पता चला कि जैसे ही वो ये टीम थी हमारी एनडीआर की, जिसमें इंस्पेक्टर राकेश, एसीपी उमेश, सुपरविज़न है डीसीपी अमित गोयल का, तो इसमें हमने कई टीमें बना ली कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। लेकिन उस बस में ये लोग मिले नहीं, तो बस के कंडक्टर, ड्राइवर और लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि 2 लड़के जो डीडवाना से बैठे थे वो धारूहेड़ा में उतर गए, हरियाणा में एंटर करते ही। फिर धारूहेड़ा से इसको बैक ट्रैक किया, आगे हम लोग गए रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी से उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी हिसार की, हिसार से फिर उन्होंने पकड़ी टैक्सी उधम सिंह के साथ मिलके हिमाचल प्रदेश के लिए। तो वो सारी टीमें उनको ट्रैक करती रही, और जब वो वापस वहाँ से चले मनाली से चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ में आके उनको अप्रीहेंड कर। सर, टोटल अरेस्टिंग कितनी हुई और कितने कल आपने एडवांस में जयपुर भेज दिए? नितिन फौजी को आज अर्ली मॉर्निंग में हमने भेज दिया था, और 2 और को अभी हमने रवाना कर दिया है पूरे प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ, क्योंकि बड़े कुख्यात और ख़तरनाक मुलजिम है, तो पूरा लाव लश्कर के साथ इनको भेजा जा रहा है। वहाँ पे राजस्थान में भी जो है इतना रोष है, तो सारी प्रिकॉशन लेके उनको हमने भेजा है, और मुझे लगता है कि अभी 2-3 घंटे में ये पहुँच जाएंगे वहाँ, और राजस्थान पुलिस के हवाले इनको। आखिरी सवाल बस आपसे लूँगा, चूँकि आप लगातार कह रहे हैं कि जो मेरिट्स हैं इस केस के वो राजस्थान पुलिस ही मेजरली साझा करेगी, एक सवाल जो मन में उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल के आ रहा है, उसका रोल कैसे है इस चीज़ में? डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, या क्या है एग्जैक्ट? मैं इतनी पुष्टि करूँगा, अभी बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कईयों के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। तो रोहित गोदारा का मेन रोल तो है ही, आगे किसके क्या है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। आखिरी सवाल बस, क्या जितने मेन अक्यूज हैं सारे ही अरेस्ट हो चुके हैं? हाँ, मेन अक्यूज तो ये 2 ही हैं, रोहित, और बाकी तो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, ऐसे एक रामवीर है जिसको राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया, उधम सिंह है, तो मेन मेन लोग सारे गिरफ्तार।